अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सायरा। आप देख रहे हैं सायराज कुकिंग। तो आज हम बना रहे हैं रांझा नमकीन गोश्त। रांझा नमकीन गोश्त बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, ये मैंने 1 किलो मटन लिया है। ये हमारा वही वाला मटन है जिसको हमने बॉयल करके रखा होता, जो मैंने आपके साथ टिप शेयर की थी मटन स्टोर करने वाला तरीका। ये 1 किलो मटन है। 2 खाने के चमचे मैंने दही लिया है। 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है। 2 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। काली मिर्च का मैंने पाउडर लिया है 1 टीस्पून, और धनिया पाउडर मैंने लिया है 1.5 टीस्पून। हरा धनिया मैंने लिया है थोड़ा सा, जिससे हम गार्निश करेंगे। और ज़ीरा मैंने लिया है 1 टीस्पून। मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई में मैंने पानी डाल दिया है। अब इसमें गोश्त डाल देते हैं, नमक, और ये धनिया भी डाल देते हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट भी। और इसको कवर करके रख देते हैं, गोश्त को गलने देते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं, पानी हमारा खुश्क हो गया। ये थोड़ा सा जो रह गया इसको भी खुश्क कर लेते हैं। ये जो पानी रह गया इसको भी खुश्क कर लेते हैं। गोश्त हमारा अच्छी तरह गल गया। ऑयल डाल देते हैं, ये वाला 1 चम्मच मैंने डाला है। पानी खुश्क हो गया है। अब ये दही डाल लेते हैं, जीरा भी डाल देते हैं, और ये काली मिर्च का पाउडर भी डाल देते हैं। अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। ये देखें, इसको मैंने 5 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई किया। अब ये जो दही में से पानी निकला है ये भी खुश्क हो गया। थोड़ा और फ्राई कर लेते हैं। देखिए कितना अच्छा गोश्त गल गया। ये हड्डियाँ भी अलग हो गई हैं। गोश्त मेरा रेडी है। अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। रांझा नमकीन गोश्त मेरा रेडी है। ये हरे धनिया ऊपर थोड़ा डाल लेते हैं। अगर मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।